हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू लर्निंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट पार्ट 2। लेट्स ओवरव्यू द कंटेंट्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिमेनिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड the problems faced due to increased traffic. Waterways. The early people made rafts to carry goods. Earlier, goods were carried on boats, soon replaced with sailboats which used the power of the wind to move. पहले के लोग rafts का use करते थे, फिर कुछ समय बाद उन्होंने boats पर goods को carry करना start कर दिया और उसके भी थोड़े समय बाद ही उन्होंने सेल बोट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो कि विंड की हेल्प से यानी हवा की हेल्प से मूव करती थी। दिस इज द सेल बोट्स। देन शिप्स ड्रिवन बाय स्टीम इंजन्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग सेल बोट्स। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिवोल्यूशन। कुछ समय बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट में भी एक क्रांति आ गई। फिर उसके बाद शिप्स जो कि स्टीम इंजन से चलते थे वो स्टार्ट हो गए। शिप्स बिकेम लार्जर एंड फास्टर। टुडे मोस्ट शिप्स आर ड्रिवन बाय डीजल इंजन। आज की डेट में ज़्यादातर शिप्स डीजल इंजन की हेल्प से चलते हैं। अ सिंगल शिप कैन कैरी एज मच कार्गो एज थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स और एयरक्राफ्ट। एक सिंगल शिप आज की डेट में हजारों ट्रक्स और एयरक्राफ्ट के बराबर का कार्गो, कार्गो मीन्स गुड्स या माल, कैरी कर सकते हैं। मोस्ट बल्की गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स, मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड बाय द शिप्स। आज की डेट में बल्की गुड्स मतलब हैवी गुड्स जितने भी हैं, लाइक फूड ग्रेन्स, मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम, ये सभी पूरे वर्ल्ड में शिप्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स इज ऑल्सो मच चीपर देन रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे चीपर जो ट्रांसपोर्ट का अपना मीन्स है वो है शिप्स। टू मेक सी ट्रेवल इजियर एंड फास्टर कैनल्स लिंकिंग सी हैव बीन डग। सी रूट को इजियर और फास्टर बनाने के लिए समुद्र को जोड़ने वाली नहरें खोदी गई। कैनाल्स मीन्स नहरें एंड डग मीन्स खोदना। द स्विस कैनाल लिंक्स द मेडिट्रेनियन सी विद द रेड सी। स्विस कैनाल जो है वो मेडिट्रेनियन सी को रेड सी से लिंक करती है यानी जोड़ती है। शिप्स फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग टू यूरोप नाउ गो थ्रू दिस कैनाल। भारत से यूरोप जाने वाले जहाज वो अब इस कैनाल को यूज़ करके ट्रैवल करते हैं। द पनामा कैनल लिंक्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन। पनामा कैनल जो है वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। शिप्स गोइंग फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया नाउ गोइंग थ्रू दिस कैनल। जितने भी शिप्स ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो इस कैनल को यूज़ करते हैं। India is surrounded by seas on three sides. As you can see in the map, India teen side se sea se ghira hua hai. Its long coastline has a number of ports. Iski jo lambi samudra tat rekha hai, wahan par bahut sare ports hain, like Mumbai, Kolkata, Visakhapatnam, Cochin and Marmagao. Ye ports means bandargaha. Within India, several rivers such as the Brahmaputra and the Ganga are used as waterways. भारत के भीतर कई नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा को जलमार्ग के रूप में उपयोग में किया जाता है। Airways, the fastest though the most expensive means of transport is by air. सबसे फास्ट और सबसे महंगा जो ट्रांसपोर्ट है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। Aeroplanes can fly over any kind of land or water like desert, mountain or vast oceans. ये aeroplanes किसी भी तरह के deserts पर से अपनी उड़ानें भर सकते हैं।
एंड कैरी पैसेंजर्स, ये पैसेंजर्स को भी कैरी करते हैं एंड ट्रेवल एट अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, और ये 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। गुड्स स्पेशली पैरिशेबल आइटम, पैरिशेबल आइटम मीन्स जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री बाय एरोप्लेन्स। जितने भी पैरिशेबल आइटम्स हैं वो ज़्यादातर एरोप्लेन की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, चाहे विद इन इंडिया हो एंड आउटसाइड इंडिया हो। द फर्स्ट एरोप्लेन वॉज बिल्ट बाय द राइट ब्रदर्स इन 1903। पहला एरोप्लेन राइट ब्रदर्स के द्वारा 1903 में बनाया गया। इट वॉज कॉल्ड फ्लायर फर्स्ट, इसे फ्लायर फर्स्ट का नाम दिया गया एंड इट्स फर्स्ट फ्लाइट लास्टेड अबाउट 12 सेकेंड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 40 मीटर। इसकी पहली उड़ान लगभग 40 मीटर से कम दूरी के लिए लगभग 12 सेकेंड तक चली। टुडे ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज आर लिंक्ड बाय एयर। ज़्यादातर आज की डेट में सारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को एयर से लिंक किया जा चुका है। मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल फ्लाई एवरी डे टू देयर डेस्टिनेशन विद इन एंड आउटसाइड देयर कंट्रीज। आज की डेट में पर डे लाखों लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। एयर इंडिया इज द नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया। एयर इंडिया इंडिया के नेशनल कैरियर मीन्स राष्ट्रीय वाहक के रूप में भी काम करती है। इट ऑपरेट्स ऑन लोकल एंड इंटरनेशनल रूट्स, ये लोकल और इंटरनेशनल रूट्स पर भी अपनी उड़ानें भरती है एंड कनेक्ट इंडिया टू ऑल द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया को वर्ल्ड की सभी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज से ये कनेक्ट करती है। इट ऑल्सो कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विथ ईच अदर। प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक। As we all know, most large cities in the world have traffic problem. ज़्यादातर जितनी भी लार्ज सिटीज़ हैं इंडिया की वहाँ पर सभी जगह ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है। This causes air pollution and accident, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। People also waste more time in traveling. ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल में अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। So, one way of reducing congestion is to improve public transport. Congestion means भीड़भाड़। तो इस भीड़भाड़ को कम करने का एक तरीका है, वो है public transport को ज़्यादा से ज़्यादा improve किया जाए। So, if public transport is fast and efficient, fewer people will use their own vehicle. अगर public transport fast भी होगा और efficient means कुशल भी होगा, improved भी होगा, तो कम से कम लोग अपने खुद के व्हीकल को यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन में कमी आएगी प्लस एक्सीडेंट्स में कमी आएगी एंड लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी कम हो जाएगा। सो एवरीवन शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द अंडरग्राउंड रेलवे और मेट्रो इज़ वन वे टू रिड्यूस कंजेशन ऑन द रोड। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशंस बनाए जाएं और मेट्रोस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए ताकि रोड्स पर जो भीड़भाड़ हो जाती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो कम से कम हो सके। इन इंडिया कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू हैव अ मेट्रो। इंडिया में कोलकाता पहली सिटी है जहाँ पर मेट्रो है। दिल्ली नाउ हैज वन टू। दिल्ली भी अब उनमें से एक है जहाँ पर मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है। Efforts are being made to reduce pollution caused by vehicles by using more efficient engines and fuels. But फिर भी हमें ऐसे efforts करने चाहिए जिससे pollution कम हो और ऐसे vehicles को use किया जाना चाहिए जिसमें efficient यानी कुशल engine use किया गया हो और अच्छे से अच्छा fuel use किया गया हो। CNG is a fuel which produces very little pollution. CNG उन्हीं में से एक ऐसा व्हीकल है जिसकी वजह फ्यूल है सॉरी जिसकी वजह से कम पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली फॉर बसेस एंड थ्री व्हीलर्स। इसको दिल्ली में बसेस के लिए और थ्री व्हीलर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेट्स रिकैप। ट्रांसपोर्ट वाज रिवोल्यूशनाइज्ड फर्स्ट बाय द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड देन बाय द स्टीम इंजन। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। Paved roads and highways have made roads transport faster and more efficient.
Trains can carry a large number of people over long distances and transport bulky goods. Waterways are the cheaper than other modes of transport. Ships can carry huge amount of bulky goods over large distances. Air transport is the fastest and the most expensive mode of transport. Increases in vehicle in cities has caused congestion on the road, leading to pollution and accident. So children, that's all for today. Be safe, stay at home. See you in the next video. And guys, if you like my videos, then please like, subscribe and share it. Thank you.